नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल BS मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये BSc पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम आपको पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे और आज का जो लेक्चर है वो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर थर्ड का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन या सम्मिश्र फलन है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसके हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताएंगे कि उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट के लेक्चर के अंदर आपने क्या पढ़ा था। लास्ट के लेक्चर के अंदर आपने एक बिंदु के प्रतिवेश के बारे में पढ़ा था, दूसरा आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में, फिर आपने पढ़ा था सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में और लास्ट आपने पढ़ा था मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में। अब हम आपको क्या बताएंगे कि यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है f जो कि डिफाइन है b से c में, जहाँ पे c क्या है, जहाँ पे c है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, जहाँ पे c क्या है, जहाँ पे c कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें किस प्रकार की संख्या है, x और आयता वाई ग्रुप की संख्या है, जहाँ पे x और y क्या है, जहाँ पे x और y रियल नंबर है और आयता बराबर क्या है अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, इस प्रकार के क्या है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक भाई, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस प्रकार डिफाइन हो रहे हैं, ये डिफाइन हो रहे हैं कि f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आल्टा d। ठीक है, f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आल्टा d, जहाँ पे u क्या है, जहाँ पे u है x और y का फंक्शन और v क्या है, v है x और y का फंक्शन। ठीक है, अब देखिए u x और y का, u क्या है x और y का फंक्शन, v क्या है x और y का फंक्शन, दैट मींस u बराबर क्या है u ऑफ x y और v बराबर क्या है v ऑफ x y। तो ये u ऑफ x y या ये फंक्शन u क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट कहलाता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z का क्या कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है, मतलब रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z क्या कहलाता है, u कहलाता है। ठीक है, और v क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, v क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, v क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनके बारे में आपको बताऊंगा कि उनका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपका एग्जांपल है वो है क्या, एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला जो आपका आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है कि एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर जेड स्क्वायर। ठीक है, या फिर एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, एफ ऑफ जेड बराबर है जेड स्क्वायर। सबसे पहला आपका जो एग्जाम्पल है वो है एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस फंक्शन का क्या करना है, इस फंक्शन का आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ठीक है, इस फंक्शन क्या निकालना, आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ ऑफ जेड। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयता। ठीक है, एफ ऑफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयता भी। और एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है जेड स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या दी गई आपको, जेड स्क्वायर दी गई है, जहाँ पे जेड का मान क्या है, जहाँ पे जेड का मान है एक्स प्लस आयता वाई। ठीक है, जहाँ पे जेड का मान क्या है, एक्स प्लस आयता वाई। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ जेड के रियल पार्ट की वैल्यू निकालनी है और एफ ऑफ जेड के इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट क्या है, स्मॉल यू। एफ ऑफ जेड के इमेजिनरी पार्ट क्या है, स्मॉल वी। आपको मतलब आपको यू और वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यू प्लस वी क्या, यू प्लस आयता वी क्या होगा, यू प्लस आयता वी होगा जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस आयता वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस आयता वाई का होल स्क्वायर ओपन करो, ए प्लस बी को होल स्क्वायर करते हो क्या आता है, यू प्लस आयता वी का जो पीछे रहेगा ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयता एक्स वाई। ठीक है, प्लस टू आयता एक्स वाई। अब आप देखो यहाँ पे इधर रियल, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यू, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है वी, इधर रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका मतलब वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है टू एक्स वाई। तो आप क्या करो, दोनों पक्षों की तुलना करो। ठीक है, दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने का। ठीक है, क्या आता है, दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने का। वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने के लिए क्या आता है,
वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। देखिए क्या आता है यहाँ पे, यू की तो वैल्यू आएगी क्या, यू की वैल्यू आएगी यू सॉरी यू की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी की वैल्यू क्या आएगी, वी की वैल्यू आएगी टू एक्स वाई। ठीक है, वी की वैल्यू क्या आएगी, वी की वैल्यू आएगी टू एक्स वाई। तो इस फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर का रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है टू एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है एफ ऑफ जेड बराबर ई की पावर जेड, जहाँ पे जेड क्या है, जहाँ पे जेड एक्सट्रीफाइड वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन एफ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर ई की पावर जेड का आपको रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो देखो आप जानते हैं कि एफ ऑफ जेड किसके बराबर होता है, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ ऑफ जेड। ठीक है, डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ ऑफ जेड के। ठीक है, और एफ ऑफ जेड किसके बराबर होता है, ये होता है यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई का वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है ई की पावर जेड। ठीक है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, ई की पावर जेड। अब देखिए यहां से u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है e की पावर x प्लस आयोटा y बराबर e की पावर z। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस आयोटा y। अब देखिए e की पावर x प्लस आयोटा y क्या होता है, e की पावर x इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ये हो जाएगा u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई बराबर e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y बराबर e की पावर x इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी e की पावर x इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा e की पावर x इंटू साइन वाई। ठीक है, दोनों पक्षों के अंदर क्या करना, क्या आपको वास्तविक भागों की और काल्पनिक भागों की तुलना करनी है। ठीक है, तो देखो दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करनी है। ठीक है, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर देखो क्या आता है, तुलना करने पर आपको u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलती है, u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिलती है e की पावर x इंटू कॉस वाई, और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलती है, e की पावर x इंटू साइन वाई। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर e की पावर जेड का रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, e की पावर x इंटू कॉस वाई, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, e की पावर x इंटू साइन वाई। ठीक है, तो ये आपके टोटल दो फंक्शन हो गए। अब उसके पश्चात नेक्स्ट फंक्शन देखो, नेक्स्ट आपका फंक्शन है तीसरा, वो है एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका फंक्शन है एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड। तो देखिए साइन जेड क्या होता है, देखिए उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। देखिए भाई, ठीक है, देखिए आपका जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा टू। ठीक है, ये होता है। और साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा टू आयोटा। ठीक है, ये कोस थीटा की वैल्यू, तो ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं थीटा को किससे रिप्लेस कर दूं, थीटा को मैं आयोटा थीटा से प्रतिस्थापित कर दूं, ठीक है भाई, थीटा को आयोटा थीटा से प्रतिस्थापित कर दूं, देखो क्या आता है, इसको प्रतिस्थापित करता हूं, देखिए क्या आता है, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी कोस आयोटा थीटा में। भाई थीटा की जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, आयोटा थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, कोस आयोटा थीटा। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा थीटा को मैं आयोटा थीटा चेंज कर रहा हूँ, दैट मींस आयोटा थीटा को मैं कितना चेंज कर रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा प्लस e की पावर प्लस थीटा बटा टू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी कॉस हाइपरबोला थीटा की। ठीक है,
एक इसकी वैल्यू होती है कोस हाइपरबोला थीटा के वैल्यू, मतलब कोस हाइपरबोला थीटा किसके बराबर होता है, कोस हाइपरबोला थीटा के बराबर। इसी प्रकार साइन आयटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो थीटा की जगह आपने क्या क्या रिप्लेस किया, आयटा थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह आयटा थीटा होता है तो ई की पावर माइनस थीटा हो जाएगा, ये तो जाएगा ई की पावर माइनस थीटा, माइनस ये हो जाएगा ई की पावर प्लस का थीटा, ठीक है, बटा टू आयटा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ क्या आ रहा है, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया माइनस, ठीक हो गया माइनस का वन इंटू ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर माइनस थीटा बटा टू आई, ठीक है। इस माइनस वन को मैंने क्या लिख लिया, इस माइनस वन को मैंने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में क्या आयोटा का इस पर, क्योंकि माइनस वन किसके बराबर होगा आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो ये होगा आयोटा स्क्वायर इंटू ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर माइनस थीटा बटा टू आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ई की पावर थीटा माइनस ए की पावर माइनस थीटा बटा टू, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है साइन हाइपरबोला थीटा की, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन हाइपरबोला थीटा की। तो साइन आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, साइन आयोटा थीटा बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा के, और कॉस आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबोला थीटा के, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कुछ और नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए कॉस हाइपरबोला थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोला थीटा होता है ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा बटा टू, और साइन हाइपरबोला थीटा क्या होता है, ये होता है ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा बटा टू, ठीक है। अब की बार थीटा को किसमें चेंज करो, आयोटा थीटा में, अगेन अगेन पहले आपने कोस थीटा और साइन थीटा को किसमें चेंज किया, कोस हाइपरबोला साइन हाइपरबोला थीटा में, ठीक है। अब की बार आप कोस हाइपरबोला थीटा और साइन हाइपरबोला थीटा किसमें चेंज करोगे, कोस थीटा में और साइन थीटा में चेंज करोगे, ठीक है। देखिए थीटा की जगह आप अगेन क्या रिप्लेस कीजिए, आयोटा थीटा, तो आयोटा थीटा रखने का क्या आता है, यहाँ पे आएगा आपके पास कोस हाइपरबोला आयोटा थीटा, थीटा की जगह आयोटा थीटा रखने से आ रहा है, ये आ रहा है की पावर आयोटा थीटा, ये आ रहा है ए की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा टू, ठीक है, बटा टू, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी कॉस थीटा की, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होती है। इसी प्रकार फॉर्मूले में अंदर देखो साइन हाइपरबोला आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, होगी ए की पावर आयोटा थीटा माइनस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा टू, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और आयोटा से मैं इसको भाग दे दूं तो मुझे देखो क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा माइनस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा टू आयोटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है तो साइन थीटा के, ये हो जाएगा आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है आयोटा साइन थीटा के, मतलब साइन हाइपरबोला थीटा होता है आयोटा साइन थीटा और कॉस हाइपरबोला आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपके क्या, कोस हाइपरबोला थीटा के, ठीक है, कोस हाइपरबोला थीटा के, कोस हाइपरबोला थीटा किसके बराबर होता है, कोस हाइपरबोला थीटा के, और साइन हाइपरबोला थीटा क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा के, यहाँ पे चार फॉर्मूले निकल रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले आपके, एक फॉर्मूला तो आपका ये रहा, ये सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखना आगे काम आने वाले हैं इसी चैप्टर में, एक दो, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपका ये रहा, ठीक है, कोस हाइपरबोला थीटा क्या होता है, ये होता है, ठीक, और चौथा फॉर्मूला एक कोस हाइपरबोला थीटा की वैल्यू होती है और साथ के साथ कोस हाइपरबोला थीटा की वैल्यू भी कोस हाइपरबोला थीटा होती है, यहाँ से कितने फॉर्मूला आ रहे हैं, टोटल आप हो गए दो फॉर्मूले और तो ये हो गए टोटल चार, यहाँ से टोटल कितने आ रहे हैं, यहाँ से टोटल आपके पास बन जाए दो फॉर्मूले हो, ठीक है, अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे करो इनको इस प्रकार से लिख लो, ठीक है, अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे करो इनको इस प्रकार से लिख लो, मैं लिखा देता हूँ आपको, ये फॉर्मूले आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला लिखो आप, ठीक है, पहला फॉर्मूला लिखो आप, ठीक है, तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपका फर्स्ट फॉर्मूला आता है और ऐसे लिख लो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले,
तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा टू, ठीक है। सेकेंड होता है साइन थीटा बराबर ए की पावर आयोटा थीटा माइनस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा टू आयोटा, ठीक है। थर्ड होता है आपका कॉस हाइपरबोला थीटा बराबर ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर माइनस थीटा बटा टू। फोर्थ होता है आपका साइन हाइपरबोला थीटा बराबर ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर माइनस थीटा बटा टू। चार पांच वाले को फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला वो देखिए, फिफ्थ फॉर्मूला है आपका क्या, कॉस आयोटा थीटा होता है कॉस हाइपरबोला थीटा। सिक्स होता है साइन आयोटा थीटा होता है आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा के। सेवन कॉस हाइपरबोला आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा के। एट एट होगा आपका साइन हाइपरबोला आयोटा थीटा होता है आयोटा साइन थीटा। तो टोटल आपके पास कितने फॉर्मूले निकलता है, टोटल आपके पास फॉर्मूले निकलता है आठ फॉर्मूले, इन आठ फॉर्मूलों को आपको याद रखना, ठीक है। अब आपके पास दो एग्जांपल हो चुके थे, एक तो एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, एक एफ जेड बराबर ए की पावर जेड। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड, ठीक है। जहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, जहाँ पे जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ ऑफ जेड के, एफ ऑफ जेड किसके बराबर होता है यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई के, ठीक है। और एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू होती है साइन है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है साइन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v of x y की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी साइन z, ठीक है। z बराबर क्या है x प्लस आयोटा वाई, तो हो जाएगा साइन x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है, प्लस cos a साइन b। अब आप देखो यहाँ पे cos आयोटा थीटा क्या होता है, cos आयोटा थीटा होता है cos हाइपरबोला थीटा, तो ये हो जाएगा u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा b ऑफ एक्स वाई बराबर साइन x cos हाइपरबोला y, और साइन आयोटा थीटा होता है आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा cos x साइन हाइपरबोला y, ठीक है। तो ये आ रहा है u of x y plus iota v of x y बराबर sin x cos hyperbola y plus iota cos x sin hyperbola y। अब आप क्या करो, दोनों पक्षों में वास्तविक भाग में काल्पनिक भाग की तुलना करो, ठीक है। तो देखो क्या आता है, दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भाग की तुलना करने का, ठीक है। दोनों पक्षों में वास्तविक वह काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है, वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना करने क्या आता है, यह आएगा आपके पास u ऑफ एक्स वाई बराबर साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई और v ऑफ एक्स वाई बराबर कोस एक्स साइन हाइपरबोला वाई। तो ये आपके टोटल कितने एग्जांपल होंगे, टोटल एग्जांपल होगा आपके तीन। चौथा देखिए आप, नेक्स्ट है आपका एफ ऑफ जेड बराबर लॉग जेड, ठीक है, एफ ऑफ जेड बराबर लॉग जेड, जहां पे जेड की वैल्यू क्या है, जहां पे जेड की वैल्यू है एक्स आयोटा वाई, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ ऑफ जेड बराबर क्या होता है यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, और आप जानते हैं ये u of x y plus i of y of x y है, लेकिन f of z की वैल्यू क्या है, f of z की वैल्यू है log z, ठीक है। तो देखिए यहां से f of z की वैल्यू क्या, सॉरी यहां से u of x y
प्लस आल्टा बी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लॉग जेड। और आप जानते हैं लॉग जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या होती है एक्सपोनेंशियल, सॉरी जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में क्या होती है, आर इंटू आर टी की पावर आल्टा थीटा। ठीक है, जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में क्या होती है, जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में होती है आर इंटू ई की पावर आल्टा थीटा। ठीक है, तो मैंने जेड की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो दो टर्म मल्टीप्लाई है, तो दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन का लॉग क्या होता है, उनके लॉग का मल्टीप्लाई उनके योग के सम के बराबर होता है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आल्टा बी ऑफ एक्स वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग आर प्लस लॉग ई आल्टा थीटा। ठीक है, ये जो लॉग है ये कौन से बेस पे है, ये है आपके ई बेस पे। ठीक है, तो लॉग ई से ई की वैल्यू क्या होगी, लॉग ई पर लॉग ई बेस पे लॉग ई का मान कितना होगा, लॉग ई का मान होगा वन। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग आर एज इट इज प्लस आल्टा थीटा इंटू लॉग ई, और इस लॉग ई की वैल्यू क्या होगी, इस लॉग ई की वैल्यू होगी वन, तो ये हो जाएगा लॉग आर प्लस आल्टा थीटा। ठीक है, r बराबर क्या होता है, r बराबर तो मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू का अंडर रूट x का प्लस y का, तो ये हो जाएगा log ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आल्फा थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे u ऑफ x y की वैल्यू तो क्या है, log अंडर रूट x का प्लस y स्क्वायर हो गया, और u ऑफ x y की वैल्यू का थीटा आ रही है। मतलब देखिए यहां पे क्या आता है नेक्स्ट, आपके पास वो देखो नेक्स्ट, देखिए यहाँ से यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होगी लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और वी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा होता है टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये यू की वैल्यू होगी और ये वी की वैल्यू होगी, जब आपको फंक्शन लॉग के रूप में देगा था तो इस प्रकार से उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके टोटल कितने हो गए फंक्शन, तो सॉरी कितने एग्जांपल हो गए आपके, आपके टोटल एग्जांपल हो गए चार। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको कितने प्रकार के फंक्शन के बारे में बता दिया था, अब तक मैंने चार प्रकार के फंक्शन के बारे में बता दिया, जहाँ पे पहला था एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, मतलब कौन सा फंक्शन था आपका, था पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, बहुपद फलन। सेकेंड मैंने बता दिया आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब चरघातांकी फलन। थर्ड मैंने आपको बता दिया कौन सा, थर्ड मैंने बता दिया आपको त्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और फोर्थ मैंने आपको बता दिया लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम। तो मैंने टोटल आपको चार फंक्शंस के बारे में बता दिया है, अब आपका एक फंक्शन बच रहा है कौन सा, एक फंक्शन बच रहा है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक कौन सा बच रहा है, एक आपका बच रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैं जो आपको है अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको एक फंक्शन और बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक और होकर बात करेंगे। साइन जेड की तो अपने बात कर ली, एक फंक्शन पर बात करेंगे कौन से, टेन जेड की, जहाँ पे टेन जेड को आप किसके साथ लिख सकते हो, टेन जेड को आप लिख सकते हो साइन जेड अपॉन कोस जेड के बराबर। ठीक है, साइन जेड को आप कह सकते हो साइन जेड अपॉन कोस जेड के बराबर। तो इस प्रकार का जो रेशनल फंक्शन होता है, इस रेशनल फंक्शन इस प्रकार का जो फलन होता है ना, वो परे में फलन या रेशनल फंक्शन होता है, तो इसको इस प्रकार का रेशनल फंक्शन का भी आपको बताना है, इस प्रकार के रेशनल फंक्शन का आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालोगे। टोटल आपके पास पांच फंक्शन हो गए, और एक नया कौन सा निकल के आया आपके सामने, नाम रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन का भी आपको क्या निकालना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने चार बताए थे, दो बच रहे हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशनल फंक्शन, इनके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर यहाँ पे लेक्चर हमारा कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।